जय श्री राम। रानी कुशवाहा हाथ जोड़ के प्रणाम सबको। मैं आ गई आपके सामने श्री रामचरित मानस लेके अर्थ सहित, जिसमें कि आप सबको मैं एक एक दोहे की एक 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 शब्द के अर्थ में आप सबको समझा रही हूँ, सुना रही हूँ। कहीं कोई मैं दोहा नहीं छोड़ रही, कोई चौपाई नहीं छोड़ रही हूँ, कोई शब्द नहीं छोड़ रही हूँ। सब सारे शब्दों का अर्थ मैं आप सबको बता रही हूँ। तो इसी हम आ गए थे 166 दोहे पर। इससे आगे अब अगर अच्छा लगे तो जरूर आप सब लोग लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो, सब भगवान जी को मेरे सब भगवान जी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं दोहे को रिपीट कर देती हूँ जिससे कि हमारा समझ में आ जाए कि क्या दोहा था। पर लेकिन शुरू करने से पहले हमें कीर्तन करना होता है। हमने शुरू में हम पढ़ चुके हैं तो थोड़ा सा कीर्तन हो जाए, पर दो तीन लाइन का, क्योंकि भी वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं हो जाए। इसलिए हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। दोहे को मैं रिपीट कर देती हूँ जिससे कि याद आ जाए। कौशल्या के वचन सुने भरत सहित रनिवास, व्याकुल बिलपति राज गृह मानहु शोक निवास। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया हो। चौपाई दिल पहीं बिकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई, भांति अनेक भरत समुझाई, कहीं विवेक मैं वचन सुनाए। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया और अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरत मात सकल समझाई, कही पुराण सुत कथा सुहाई, छल विहीन सुचे सरल सुवानी, बोले भरत जोर जोग पानी। भरत जी ने भी सब माताओं को प्राण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले। जे अगुमा तो पिता सुत मारे, गाई को गाई गोटे महिसुर पुर जारे, जे अगतिय बालक बद कीने, मीत मही पते माहुर दीने। जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं और जो गौशाला ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं, जे पातक उपपातक अहि परम बचन मन भव कब कहि, ते पातक मोहि हो विधाता, जो यहु होई मोर मत माता। कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक एवं उपपातक बड़े छोटे पाप हैं, जिनको कभी लोग कहते हैं हे विधाता यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता वे सब पाप मुझे लगे, ऐसे बोल रहे भरत जी।
अति मोर। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता, यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। बेचही बेदुधरम दुही लेही, किसोने पराए पाप कही देही। कपटी कोटेल कलहे प्रिय कोधी, वेद विदूषक देश विरोधी। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को धू लेते हैं और चुगल खोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, और जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले हैं और विश्व भर के विरोधी हैं। लोभी लंपट लो लुपचारा, देता कहीं पर धनो पर दारा। पावों में तिनके गति घोरा, जो जननी यहु सम्मत मोरा। जो लोभी लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराय धन और पराय स्त्री की ताकत में रहते हैं, हे जननी, यदि इस काम में मेरी संपत्ति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परिमारथ पथ विमुख अभागे। जे ना भजे हर नर तनु पाई, जिनहि न हरि हर सुजस सुहाई। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख है, और जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरि हर भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयस नहीं सुहाता। तजि श्रुति पंथ माम हत चलही, बंचक बिरज देश जग छलही। जिनके गति मोहि शंकर देव, जननी जो यहु जानो भेउ। जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और वेश बनाकर जगत को छलते हैं, हे माता, यदि मैं इस भेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दें। ऐसे कह रहे, कितने मतलब अपनी ब्रस्ते बताया कि मुझे ऐसे दंड दें शंकर जी, मुझे ऐसे दंड दें, ऐसे दंड, ऐसे बोल रहे हैं। मात भरत के बचन सुने, साचे सरल सुभाय, कहते राम प्रिय पात तुम सदा बचन मन काय। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात, तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र जी के प्यारे हो। अब हम आ गए हैं 168 दोहे पर, सॉरी 168 दोहे पर हम आ गए हैं। जय श्री राम सबको, रानी पेशवा का हाथ जोड़ के सबको प्रणाम। अगर आप सबको रामायण मेरी अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और आप सब बड़े लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए, और बहन भाइयों का प्यार मिले, बड़ों का आशीर्वाद मिले, जिससे कि मैं अच्छी अच्छी तरीके से आप सबको सुंदरकांड और रामायण सुना सकूं। जय श्री राम।